उठो चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। शब्बो, अरे अम्मी, अच्छा किया अम्मी जो आप आ गईं। आदाब। आदाब, ये क्या है तौबा मचा रखी है तूने? इतनी सुबह सुबह क्यों बुला लिया मुझे? तेरे अब्बू के लिए चाय का पानी रखा था मैंने और तू है कि बस। अम्मी, अब मैं क्या करती, काम ही ऐसा था कि आपको सुबह सुबह बुलवाना पड़ा। क्या काम है? होना क्या है अम्मी, शबनम इस बच्ची को घर ले आई। मैं क्या करती, कहां ले जा सकती थी इसे? अम्मी, इस बच्ची की माँ इसे छोड़कर चली गई है। छोड़कर चली गई? मतलब? मतलब बिना किसी को कुछ बताए इसे छोड़कर चली गई है। और इसे खसरा भी है। हाँ अम्मी, और इसे मुझे तब तक अपने पास रखना है जब तक इसकी माँ वापस नहीं आ जाती। इसीलिए अम्मी मैं सोच रही थी कि अगर एक दिन के लिए आप इस बच्ची को अपने पास रख लेती तो मैं। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ये तो बीमार बच्ची, ऊपर से लावारिस, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हजार चक्कर पड़ जाएंगे। फिर तुझे क्या जरूरत है बिन बुलाए मुसीबत मोल लेने की? हाँ, अरे अम्मी यही समझा रहा हूं इसे। आप दोनों का मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से ज्यादा समझदार इस गांव की औरतें हैं तो मैं उन्हीं से मदद मांग लूंगी। बस अगर कुछ देर के लिए आप लोग इस बच्ची के पास बैठ जाएं तो मैं किसी से मदद मांगकर आ जाऊं। ए शब्बो सुन तो जरा। अम्मा रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। एक बार कुएं में कूदने की सोच ली है तो सोच ली है। ओ लाला, ये विलेज और ये विलेज की गर्मी, आई तो दोनों यहाँ के लोग रहते कैसे? ओ हाय बेबी, नो एसी, मैं तो रह ही नहीं सकती इतनी गर्मी, नो एसी। तो बुआ जी, आपको बस स्टैंड छोड़ा? ओ कम ऑन सेड, बुआ जी ऐसे डर के जाने वाले में से थोड़ी ना है। क्यों बुआ जी? फुलाला, इतनी बड़ी हवेली बनाई है, दो तीन एसी नहीं लगवा सकते थे? उलाला, ये ना सिली विलेज वाले लाखों रुपए हैं, खर्च करना कहाँ है ये नहीं जानते। इतनी गर्मी में तो मैं नहीं रह सकती। उलाला, इतनी गर्मी, नो एसी। बुआ जी, अगर आप कहें तो आपके लिए शहर से एसी मंगवा दूं। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं 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 बुआ जी, अभी ऑर्डर करेंगे तो 20-25 दिनों में तो आ ही जाएगा। क्यों सिर्फ? हाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर बुआ जी आपका एसी जरूर आ जाएगा। इतने दिनों में तो मैं मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊंगी। ओ लाला, नहीं नहीं, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। बुआ बुआ बुआ,
ये लीजिए आपके लिए। ओ लाला, मुझे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कितना क्यूट बेबी है। ओ माय चुनु मुनु कुछ पूछो। थैंक यू। कूल कूल, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा है। वेरी टेस्टी। क्या ये अच्छा लगा? हाँ, ये तो हमारे शेरू को भी बहुत पसंद है। अच्छा, शेरू को पसंद है? कौन है शेरू? अरे हमारा पालतू कुत्ता। उसने आज पूरा खत्म नहीं करा ना, इसलिए मैं ग्लास में डाल के आपके लिए ले आया। यू सिली विलेज बॉय, तूने मुझे डिटी डाल दिया। मैं तुझे बता रहा हूँ, यू सिली बॉय, छोड़ मुझे, ये विलेज बॉय। रुक जा, छोड़ोगे नहीं, दिस सिली पीपल, विलेज पीपल। बुआ जी तो गई, बड़े घर में कुत्ता तो नहीं है, लेकिन शेरू ने टिंकू का काम कर दिया। नाना बहन जी, ये नहीं हो सकेगा। पर बेला, नहीं बहन जी, मेरा आदमी बहुत गुस्सा करेगा। मुझे माफ करना। सुनो, पर रुक्मणी तुम तो जानती हो ना? हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मैं उसे नहीं रख सकती। पर क्यों रुक्मणी? अब क्यों का क्या जवाब दूं मैं आपको? आप तो जानती हैं, घर में बच्चा है और उसे। नहीं बहन जी, ये मुझसे नहीं होगा। शबनम बहन जी, शबनम बहन जी। नमस्ते बहन जी। आदाब, कैसी हो सुनहरी? मैं ठीक हूँ बहन जी, पर आप? वो बच्ची कैसी है, जैसे खसरा हुआ है? उसकी माँ का कुछ पता चला? आप चाहें तो उसे मैं अपने घर ले जाऊं? क्या तुम उस बच्ची को अपने पास रख लोगी सुनहरी? हाँ, इसमें क्या है, चलिए मैं अभी चलकर उसे ले आती हूँ। आप तो जानती हैं मेरी खुशी को खसरे से बचने के लिए टीका लगा हुआ है, तो मुझे किस बात की चिंता है। अरे वाह लाला, अब तो सब बहुत बढ़िया कर लिया है। बोर्ड पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पूरी पूरी जानकारी, चीनी के दाम कितने हैं, गेहूं के दाम कितने हैं और कितना राशन है, सब साफ साफ लिख दिया है, है? पर कला देखता हूँ राशन सारा सामने ही है। ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, आरटीआई में शिकायत जो कर दी थी तुम सबने। वैसे काम तो मैं पहले भी ईमानदारी से ही करता था, अब बस सरकारी ठप्पा भी मिल गया है। लाला, झूठ की और बेईमानी की उम्र लंबी नहीं होती। चलो हमारा राशन निकालो, बच्चों को छोड़कर आए। राशन कार्ड तो ला अम्मा। ये लो राशन कार्ड।
आरटीआई में जाने से ये भी बन गया। चलो अच्छा हुआ। लाला, इस बार तो गेहूं और चीनी बहुत बढ़िया है। लाला, ये आज के राशन के पैसे और ये पिछले उधार के पैसे। पिछले पैसे? अब मेरे बहू के कंगन वापस करो। लगता है शहर में बद्री भैया ने अच्छा काम पकड़ लिया है, है? बस 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 लाला। अपनी काली नजर हमारी चौकट से दूरी रखो। लाओ मेरे बहू के कंगन वापस करो। ये लो, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास और मेरी चीज मेरे पास। किसकी चीज किसके पास कब तक रहती है ये कौन जानता है लाला? क्यों, क्या हुआ? लो लाला पूछता है क्या हुआ। अरे गांव में महामारी फैलने वाली है, महामारी। वो जो माता होती है ना, वो घर घर में होने वाली है। हाँ, ये क्या कह रही है? अरे सही कह रही हूँ लाला, वो शबनम बहन जी है ना, अरे उसने अपने घर में एक छोरी को रख लिया है और पता है उसे खसरा है, खसरा। और तुम तो जानते ही हो कि खसरा एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लगता है। हाँ, ये क्या बेतुकी की बातें फैला रही हैं? अरे वाह, एक तू ही डॉक्टरनी है ना पूरे गांव में, तुझे ही सब मालूम है। हाँ सुमित्रा, अगर तूने बहन जी की बातें ध्यान से सुनी होती ना, तो तुझे भी पता होता कि सही समय पर सही टीके लगवाए तो बच्चों को सात जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है। हाँ, पर तुझे इन बातों से क्या मतलब? तुझे तो आग लगाना आता है, वो भी बिना तेल के।